is Amar Nadeem and I'm with Abdul Mateen and Insha Waka. We're going to talk about Pakistan versus Afghanistan second ODI match. क्या मैच हुआ है, क्या पहले बहुत शानदार जी, क्या अफगानिस्तान ने बैटिंग की है और फिर क्या ही अफगानिस्तान ने बॉलिंग की है। पाकिस्तान को तो वैसे सच्ची बात है मैच जीत गया, लेकिन पाकिस्तान की अगर देखा जाए इंसान वैसे अच्छी बात डिजर्व नहीं करता था, लेकिन हम जीते हैं और एक अच्छी गेम जीते हैं। अच्छी गेम जीते हैं, लेकिन हमारी जो मिडिल ऑर्डर था उसकी वजह से हम डिजर्व नहीं करते थे, क्योंकि अफगानिस्तान बॉलिंग और बैटिंग दोनों में ही आउट क्लास था आज के मैच में। और हमने काफी स्ट्रगल किया बैटिंग में लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी स्ट्रगल किया है, लेकिन अफगानिस्तान के जो ओपनिंग प्लेयर था वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, इतनी तारीफ की जाए दोनों की कम है। मैं तो नसीम शाह और शाहीन अफरीदी और आलिस राव को कहता हूँ थंडर बोल्ट्स हैं, उनकी बॉल इतना पेस आता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिस तरह उन्होंने उसे खेला है और जिस तरह उन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई है, क्या ही वैसे क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए। और एक अच्छा मैच था, इवन ब्रेक में मैंने आपको बताया कि मैं कुछ देख रहा था तो वहाँ पे विनिंग प्रेडिक्शन में 70% अफगानिस्तान था और 30% लेकिन वी मेड इट एट द एंड। मैं तो पाकिस्तान की खूबसूरत है ना कि हम जब 1 पॉइंट पे होते हैं हारने पे तो वहां से जीत जाते हैं, 100% जीतने पे होते हैं तो वहां से हम हार जाते हैं। तो इस पर तो मैं तो विनिंग प्रेडिक्शन पे तो बिलीव ही नहीं करती थी। मैं नहीं, अफगानिस्तान ने काफी अच्छी ओपनिंग स्टैंड किया था और उनकी प्रैक्टिस में बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई। बात करते हैं हम शादाब खान की बैटिंग, उन्होंने तो काफी अच्छी बैटिंग की है और उस टाइम पे बैटिंग किया था और उस टाइम पे टीम को, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप हो गया था उस टाइम पर, तो उस टाइम आके उसने हमें एक अच्छा आरावा मैच हमारे पास लास्ट मैच में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आज फिर उन्होंने बैटिंग कुछ देर पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे शादाब खान अब बॉलिंग से ज्यादा मुझे बैटिंग ऑलराउंडर नजर आना शुरू हो गया। स्टीव स्मिथ की जैसा बात कर रहे थे कि उन्होंने स्टार्ट एज ए बॉलिंग बॉलर किया था और फिर वो एज ए बैट्समैन इन्वॉल्व हुए, तो इसी तरह शादाब खान भी मुझे लगे। नसीम शाह के मुताबिक काफी जल्दी से एक कुछ बात, नसीम शाह तो अफगानिस्तान के साथ पर्सनल दुश्मनी लेके मेरा ख्याल आते हैं ग्राउंड में हमेशा, वो सारे बैटर्स उनके आगे हार जाते हैं फिर नसीम शाह आते हैं और वो दो तीन छक्के चौके मार के तो सारा मैच ले जाते हैं, सारा क्रेडिट नसीम शाह को जाता है कि उस टाइम पर उन्होंने अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा, क्योंकि वो अब सारे प्रेशर की गेम थी और फारूकी को ऐसा उसने ऑलरेडी बहुत अच्छा बॉल है, तीन विकेट्स वो ले चुका था और शादाब खान की विकेट उसने जिस तरह लिया है। हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, अभी एक कुछ देर पहले मैं एक मीम देख रहा था जिसमें वो लड़की है तो कहती है, वो इंसान वालों को मशवरा दे रही थी कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब नसीम शाह हो तो उसके पार्टनर के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत मत करो, लास्ट टाइम आप लोगों ने आबिद अली को छेड़ा था और नसीम गुस्सा खा गया था और कल आपने शादाब को रन आउट किया जिस तरह, तो फिर नसीम को तो गुस्सा ही आना ही था और फिर तो खैर इट वॉज अ ग्रेट मैच और मेरे ख्याल से वर्थ था कि आप टीवी के आगे बैठे और मैच देखे। नेक्स्ट मैच के लिए कुछ जल्दी से, नेक्स्ट मैच के लिए बस बॉलिंग में आप नसीम शाह को थोड़ा रेस्ट दें क्योंकि उसके को करें और साउथ शकील की कहीं पे जगह बनाए। हमारा के लिए मोहम्मद वसीम कह रही हैं कि फास्ट बॉलर रिप्लेस करके उसे कंफर्म चांस मिलना चाहिए और इस तरह इंशा कह रही हैं साउथ शकील को, और मेरा भी यही ख्याल है कि टीम में आखिरी मैच के लिए थोड़ी तब्दीली हो ताकि हम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए कुछ बेंच अपने बेंच उसकी भी देखें। मेरे ख्याल से हारिस अली भी बैठे हुए हैं बेंच में तो शायद उन्हें भी चांस। ठीक है, हमारा वीडियो देखने का चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाइक और कमेंट्स हमें बताते नहीं, अगर आपको लगता है कुछ तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।